दोस्तों, हमारी तेज भागती दौड़ती जिंदगी में हमारी जीवन शैली के कुछ बदलावों की वजह से कुछ बीमारियां काफी आम हो गई हैं और उनमें से एक है किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किडनी स्टोन या जिसे मेडिकल भाषा में रीनल कैलकुलस भी कहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, किडनी स्टोन होने के कारण क्या होते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता हमारे चैनल द डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, किडनी स्टोन एक ऐसा पत्थर जैसा कठोर मटेरियल है जो हमारे पेशाब में पाए जाने वाले केमिकल से बनता है। पेशाब में बहुत सारे पदार्थ घुले होते हैं, पर जब ये केमिकल्स बहुत ही कम तरल में घुले होते हैं तो आपस में जमा होकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं। या तो ये क्रिस्टल पेशाब के साथ निकल जाते हैं, और अगर ये नहीं निकल पाते हैं तो ये क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल्स को और जमा करते हैं और बड़े कठोर पत्थरनुमा स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ये पत्थर बनाने वाले केमिकल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट यूरेट सिस्टीन जैंथिन और फॉस्फेट। ये पत्थर बनने के बाद या तो किडनी में ही रुक जाते हैं या फिर पेशाब के रास्ते यूरेटर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि मूत्र मार्ग में नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। कई बार छोटे पत्थर बिना किसी परेशानी के पेशाब के साथ निकल भी जाते हैं, पर जो पत्थर निकल नहीं पाते हैं और बड़े हो जाते हैं पेशाब के रास्ते में कहीं फंस जाते हैं, वे पेशाब को पूरी तरीके से निकलने नहीं देते और यही कारण है कि मरीज को दर्द होता है। आइए अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन एक रेत के एक कण जितना बड़ा भी हो सकता है या फिर एक कंकड़ जितना बड़ा हो सकता है, और इवन एक किडनी स्टोन किसी गोल्फ बॉल जितना भी बड़ा हो सकता है। दोस्तों, किडनी स्टोन से होने वाले लक्षण और उसकी गंभीरता कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कि किडनी स्टोन का साइज कितना है, स्टोन एक किडनी में है या दोनों किडनी में, और किडनी में बना स्टोन पेशाब के रास्ते में कहां आकर फंस गया है। किडनी स्टोन के लक्षणों में सबसे पहले और सबसे कॉमन लक्षण है दर्द। दोस्तों, किडनी स्टोन का दर्द तब होने लगता है जब ये स्टोन किडनी को इरिटेट करता है या पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करने लगता है। किडनी स्टोन बिना कोई नुकसान पहुंचाए शरीर से निकल भी सकता है, पर इसके निकलने के समय मरीज को तेज दर्द भी हो सकता है। पर दर्द आपके शरीर में कहां होगा ये निर्भर करता है कि स्टोन कहां फंसा हुआ है। अगर स्टोन किडनी में ही है तो आपकी कमर में एक तरफ या दोनों तरफ आपको तेज दर्द हो सकता है, और ये दर्द यहीं तक सीमित रहता है। पर अगर ये स्टोन किडनी और यूरेटर के जंक्शन यानी यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन पे जाके फंस गया है तो आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, और अगर यही स्टोन यूरेटर के बीच के भाग से निकल नहीं पा रहा है तो मरीज को पेट के निचले हिस्से में आगे और पीछे दोनों तरफ दर्द होगा। अगर स्टोन यूरेटर के निचले हिस्से में फंस गया है तो दर्द ग्रोइन से शुरू होगा और पुरुषों में टेस्टिस तक जाएगा और महिलाओं में वजाइना तक। अब अगर स्टोन पेशाब की तहली के मुंह पर आकर फंस गया है तो पुरुषों में लिंग के ऊपर वाले हिस्से में और महिलाओं में उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर दर्द होता है। अब अगर यही स्टोन पेशाब की थैली के अंदर पहुंच जाता है तो मरीज को दर्द की शिकायत तो अक्सर नहीं होती है, पर जब मरीज पेशाब करने जाता है तो स्टोन पेशाब का रास्ता ब्लॉक कर सकता है, और वहीं मरीज के लेटने पर यही पेशाब का रास्ता खुल जाता है। कई मरीजों में किडनी स्टोन का दर्द इतना स्पेसिफिक नहीं होता है और उन्हें पथरी का दर्द पेट में कहीं भी हो सकता है, और ऐसे मरीज ठीक से बता नहीं पाते कि दर्द कहाँ हो रहा है। इसके अलावा आपको किडनी स्टोन की वजह से दूसरे लक्षण भी आ सकते हैं, जैसे कि आपको पेशाब के साथ खून भी आ सकता है, आपके पेशाब का रंग लाल गुलाबी भूरा हो सकता है, आपके पेशाब का रंग धुंधला भी हो सकता है, आपको जी घबराना और उल्टी होना जैसे लक्षण भी आ सकते हैं, आपको बुखार आ सकता है जिसके साथ कपकपी हो सकती है जिसे चिल्स कहते हैं, पेशाब में बदबू आ सकती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर किडनी स्टोन होते क्यों हैं। किडनी स्टोन का सबसे पहला और मुख्य कारण है पानी कम पीना।
पेशाब में फ्लूड के साथ बहुत सारे मिनरल्स घुले होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, सिस्टीन, ज़ेंटीन। और अगर पानी कम पीने की वजह से या किसी और वजह से पेशाब गाढ़ा हो रहा है तो ये मिनरल्स आपस में इकट्ठा होने लगते हैं और स्टोन्स बनाते हैं। ऐसा पेशाब में पानी के कम होने की वजह से या इन मिनरल्स के ज्यादा होने की वजह से दोनों ही कारणों से संभव है। दूसरा कारण है एक्सरसाइज, और इनमें दोनों बातें, एक्सरसाइज बिल्कुल ना करना या एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करना। हुआ ना अशर, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपको पसीना आता है जिसके कारण आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है और यही पेशाब को गाढ़ा करती है और स्टोन का कारण बनता है। इसलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें एक अच्छे अमाउंट का पानी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जरूर पिएं। इसके विपरीत अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी स्टोन होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज से आप अपने वजन को नियंत्रण में रखते हैं और रिसर्च में देखा गया है कि एक्सरसाइज से किडनी स्टोन को फ्लश करने में आसानी होती है। दोनों ही कारणों से किडनी स्टोन बन सकता है। इसके अलावा मोटापा या ओबेसिटी भी किडनी स्टोन का कारण माना गया है। अगर आपकी वेट लॉस के लिए कोई सर्जरी हुई है तो भी आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं। अगर आप खाने में ज्यादा नमक लेते हैं या ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तब भी आपको किडनी स्टोन हो सकते हैं। अगर आपकी डाइट में ऑक्सलेट रिच फूड ज्यादा है यानी पालक, टमाटर, दालें, तो भी किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होता रहता है यानी यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता रहता है तो भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके माता या पिता को भी किडनी स्टोन हुआ था तो संभावना है कि आपको भी किडनी स्टोन हो सकता है। अगर आपके खान पान में फ्रक्टोज ज्यादा है तो भी किडनी स्टोन होने का रिस्क ज्यादा है। दोस्तों ये तो हुआ कारण, पर क्या आप जानते हैं कि किडनी स्टोन भी कई तरीके के होते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि किडनी स्टोन मुख्यतः किस पदार्थ से बना है। इनमें सबसे पहला किडनी स्टोन का प्रकार है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट से बने किडनी स्टोन सबसे कॉमनली पाए जाने वाले किडनी स्टोन है, और यह तब बनता है जब पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलता है। और इस तरह के स्टोन होने का कारण कम पानी पीने के साथ साथ डाइट में कैल्शियम की कमी भी है। दूसरा प्रकार है यूरिक एसिड स्टोन। इस प्रकार का किडनी स्टोन भी काफी कॉमन है। मीट्स और शेल फिश में प्यूरिन नाम का केमिकल पदार्थ काफी मात्रा में पाया जाता है। डाइट में ज्यादा प्यूरिन लेने से मोनोसोडियम यूरेट ज्यादा बनता है, और अगर इस स्थिति में कोई व्यक्ति अगर पानी कम पीता है तो इस तरह के किडनी स्टोन बनने लगते हैं। और खास बात यह है कि अगर परिवार में किसी को यूरिक एसिड स्टोन बने हैं तो आगे की पीढ़ी में भी इस प्रकार के किडनी स्टोन बन सकते हैं। अगला प्रकार है स्ट्रूवाइट किडनी स्टोन। ये स्टोन इतना कॉमनली देखने को नहीं मिलते हैं, और अक्सर ये स्टोन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन में होते हैं, यानी किडनी के इन्फेक्शन में ऐसे स्टोन्स देखे जाते हैं। अगला प्रकार है सिस्टीन स्टोन्स। ये किडनी स्टोन्स काफी दुर्लभ होते हैं और एक रेयर बीमारी में देखे जाते हैं जिसका नाम है सिस्टीन्यूरिया, जहां एक नेचुरल पदार्थ सिस्टीन पेशाब के साथ लीक होने लगता है, और जब आप पेशाब में बहुत ज्यादा सिस्टीन निकलने लगता है तब सिस्टीन स्टोन्स बनने लगते हैं, और ये बीमारी आनुवांशिक होती है यानी अक्सर परिवार के सदस्यों में देखी जाती है। सिस्टीन स्टोन्स बाकी किडनी स्टोन्स की तुलना में साइज में बड़े होते हैं। क्योंकि सिस्टीन्यूरिया की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसलिए अगर आपके माता पिता में ये किसी को बीमारी है और उन्हें इस तरह के किडनी स्टोन्स हुए हैं तो आपको खास ध्यान रखना है कि इस स्टोन से आप बचाव करें। दोस्तों उम्मीद है किडनी स्टोन्स के लक्षणों पर मेरी ये दी गई जानकारी आपको लाभप्रद होगी, और आप इन लक्षणों से जान पाएंगे कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको पहचानना आसान होगा और आप डॉक्टर के पास तुरंत इलाज के लिए जा पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट जैसी कॉमन बीमारी का सबसे आसान इलाज क्या है और उसे कैसे बचाव किया जा सकता है तो आप राइट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से संपर्क करने के लिए ऊपर दिए गए फोन नंबर पर क्लिक कर सकते हैं और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ओके सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।